जय हिंद, वेलकम टू दक्षा ई क्लास रूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों, हम केटीजीएन थर्मोडाइनेमिक्स पढ़ रहे थे और अभी तक हमने उसके 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। काफ़ी हद तक हमने मतलब मिड पोर्शन तक तो हम आ ही चुके हैं। थर्मोडाइनेमिक्स से बच्चों, हम लास्ट वाले लेक्चर में जो अभी तक हम बात कर चुके हैं वो एक तो ये था भी वर्क डन का एक्सप्रेशंस क्या क्या आता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए। वो सारे प्रोसेस आपको याद होने चाहिए कि आइसोबारिक में कितना है, आइसोकोरिक में कितना है, आइसोथर्मल में कितना है, एडियाबेटिक में कितना है और पॉलीट्रॉपिक में कितना है। और फिर हमने लास्ट वाले लेक्चर के अंदर उनको थोड़ा यूज़ करके भी देखा था कि हाँ भाई, अगर सवाल आएंगे तो किस तरीके से हम वर्क डन निकालेंगे। फिर उसके बाद में हमने लास्ट वाले लेक्चर के अगर आप लास्ट पार्ट में देखें तो हमने ये बात किया था कि वर्क डन निकालने का एक और तरीका भी हो सकता है क्या। अगर आप एरिया अंडर द पीवी कर्व अगर आप देखें तो वो भी वर्क डन ही होगा, क्योंकि वर्क डन का एक्सप्रेशन था दैट इज पीवी। ये था ना वर्क डन का एक्सप्रेशन आपके पास। वर्क डन क्या था बच्चों? वर्क डन आया था इंटीग्रेशन ऑफ पीडी। और अगर आप ये देखेंगे तो पीवी अंडर द कर्व, मतलब अगर आप पीवी के अंडर द कर्व अगर आप जो एरिया आ रहा है वो एरिया आपको वर्क डन देगा। और इसमें एक बात मतलब खतरे वाला पॉइंट था, वो क्या था कि आपको जो प्रोजेक्शन लेना है वो कौन से पे लेना है? वॉल्यूम वाले कर्व पे लेना है। जैसे मान लीजिए हमने एक सवाल भी किया था कि यहाँ पे ऐसे मान लीजिए ये ऐसे ए से बी जा रहा है और ये वाला कर्व आपके पास में यहाँ पे है पी और यहाँ पे है वी। अब एरिया अंडर द कर्व कौन सा लेना पड़ेगा वर्क डन निकालने के लिए? अब क्या ये वाला प्रोजेक्शन नहीं, अब क्या ये वाला प्रोजेक्शन आया था, हमने इसका सवाल भी किया था। और हमने क्या क्या बात की थी? हमने ये देखा था कि अगर आपके पास में वॉल्यूम बढ़ रहा है, सीधी सीधी सी बात है, अगर कभी वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा और अगर कभी वॉल्यूम घटेगा तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। उसमें बस आप देख लीजिए इनिशियल और फाइनल पोजिशन के अंदर आपके पास में क्या हो रहा है। अभी बच्चों हम शुरुआत करेंगे इस लेक्चर की, दैट इज फ्रॉम साइक्लिक प्रोसेस। हम साइक्लिक प्रोसेस से इसकी शुरुआत करते हैं। साइक्लिक प्रोसेस के बारे में आप जानते हैं क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, केमिस्ट्री में आपने देखा होगा। हम शुरुआत करते हैं साइक्लिक प्रोसेस से। साइक्लिक प्रोसेस, इसके पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं आपको लिखाता हूं। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ये है कि अगर आप जिस पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए एक इनिशियली जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी थी, कुछ प्रोसेस हुआ, प्रॉपर्टी चेंज हुई, फाइनली फिर वापी वापस वही थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी आपको मिल रही है। मतलब इनिशियल वाले में मान लीजिए प्रेशर पी नोट था, वॉल्यूम वी नोट था, टेम्परेचर टी नोट था, फिर वापस जब वहां पे मतलब एट द एंड भी वही हो रहा है कि फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम और फाइनल टेम्परेचर सेम है। तो आपको मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं, आप थोड़ा लिख लीजिए इसके अंदर। इफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ, इफ लिख दूंगे साथ साथ में, इफ द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ ए थर्मोडायनामिक सिस्टम, ऑफ ए थर्मोडायनामिक सिस्टम आर सेम देन प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। क्या लिखा है? इफ द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ ए थर्मोडायनामिक सिस्टम आर सेम देन प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। कुल मिला के भाई साहब, जो इनिशियली जो जो टर्म्स थी, प्रेशर जो था, वॉल्यूम जो था, टेम्परेचर जो था, वही आपको फाइनली अगर मिल जाता है तो हम उस प्रोसेस को साइक्लिक बोलते हैं। साइक्लिक प्रोसेस ग्राफ में कैसे दिखा, थोड़ा सा ग्राफ ऑब्जर्व करते हैं साइक्लिक प्रोसेस का। बहुत ढंग से देखना बच्चों ना, ये वॉल्यूम है, इधर आपके पास में कुछ प्रेशर है, बात को समझिएगा। आपको बोला कि यहां से कुछ ये ए पॉइंट था, यहां से शुरू किया कोई प्रोसेस, तो मान लीजिए प्रोसेस कुछ ए से बी गया, ठीक। अब मैंने बोला साइक्लिक प्रोसेस होना चाहिए, अच्छा मैंने बोला एट द एंड साइक्लिक प्रोसेस होना चाहिए। अब ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, क्यों ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं है? बिकॉज यहां पे जो पैरामीटर है, यहां पे प्रेशर ये है, यहां पे वॉल्यूम ये है, टेम्परेचर कुछ और होगा, टी ये होगा, पर यहां पे अगर आप देख रहे तो प्रेशर भी डिफरेंट है, वॉल्यूम भी डिफरेंट है, साइक्लिक नहीं हुआ। साइक्लिक होने के लिए फाइनल जो आपके पास में जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होनी चाहिए। इसका मतलब वापस वो घूम के ए पे आना पड़े, साइक्लिक साइक्लिक बन जाए, खत्म बात, जैसी भाषा समझे, साइक्लिक मतलब साइक्लिक बन जाए, साइकिल में समझ रहे हैं, ये साइकिल चलाने वाली नहीं। तो अगर मान लीजिए वापस साइक्लिक बना, इसमें कुछ ऐसे घूम के ऐसे आना पड़ेगा, मान लीजिए ऐसा। अब ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, चाहे कैसे घूम के आता है, ऐसा नहीं कि ए से घूम के ऐसे नीचे से ऊपर से आ जाए, ऐसे डांस करता हुआ जाए, कैसे भी आ जाए वो फर्क नहीं पड़ता, पर फाइनली जहां से ग्राफ शुरू हुआ था वहीं पे आके एंड हो जाना चाहिए, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। अब सर जी, साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालेंगे? साइक्लिक, अब बिल्कुल देखिए, मैं आपको आपको चीज रट्टा नहीं मारनी है ना, आपको चीज समझनी है, जो हमने बेसिक चीजें सीखी है उन्हीं का यूज करके हम सब चीजें देखेंगे। हमें निकालना भाई साहब साइक्लिक प्रोसेस के अंदर वर्क कैसे निकालेंगे। मैंने बोला मुझे ये पता है, मुझे पता है कि पीवी कर्व के अंदर जो पीवी में जो एरिया अंडर द कर्व है वो आपको वर्क डन देता है, मेरी बात समझिएगा।
मुझसे क्या बोला गया कि इस प्रोसेस के अंदर वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इन दिस साइक्लिक प्रोसेस कितना होगा, ये सवाल आ गया। मान लीजिए वर्क डन इन दिस साइक्लिक प्रोसेस कितना है, ये हमें निकालना है, ये हमारा टारगेट, हमें नहीं पता, अभी हम वही सीख रहे हैं। तो मैंने बोला कि यार मुझे साइक्लिक प्रोसेस में तो नहीं पता, मुझे एक पाथ में तो पता है, मतलब पाथ का निकालना आता है। मान लीजिए मैं इसको से ब्रेक कर लूं दो के अंदर, समझना मेरी बात को। मैं सबसे पहले बोला चलो हम पी ए से बी चलते हैं, सबसे पहले हम जो ए से बी वाला कर्व उसको बनाते हैं। ए से बी बच्चों कैसे गया, ऐसे करके कुछ ऐसे गया, ठीक, ए से लेके बी तक। अरे सही, तो ए से बी जाने में वर्क कितना होगा आप मुझे बता सकते हैं? ए से बी जाने में दोस्त वर्क कितना होगा? सर जिसका एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व कौन सा है? हमने बोला टक 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 टक, दिस 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 दिस, ये भाई साहब जो नीले पेन से हमने बनाया है, ये आपके पास है वर्क डन है ए से बी जाने का। पर सवाल ये नहीं है, सवाल क्या है पूरे साइकिल का वर्क डन कितना है। मैंने बोला ए से बी तो निकाल लिया, अभी ए से बी जो एरिया अंडर द कर्व आया ये वर्क डन है। दिस शेडेड एरिया, ब्लू शेडेड एरिया जो आपके पास में है वो क्या है? वर्क डन कहां से कहां तक? ए से लेके बी जाने में, ठीक। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? हम इसी से बात, हमें एक बात समझ में आती है, वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, मुझे ये बताओ बस। वॉल्यूम क्या रहा दोस्त? बढ़ रहा है। तो ये कैसा आएगा तेरे पास में? दिस इज पॉजिटिव। अरे यहां तक कोई उलझन नहीं, पर हमें साइक्लिक प्रोसेस में निकालना है। तो मैंने कहा इसमें एक और एरिया देखता हूं मैं। अब क्या बच्चे कौन सा देखेंगे अपने? पी वी, एक बार चेक कर लेते हैं या आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। मस्त दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर हम यहां पे देखें यहां पी वी, अब देख, अब हमें चलना है बी से ए। अब क्या बी से ए जाएंगे तो कैसा बनाया मैंने इसको? ऐसे बना दिया, यहां पे ये बी था, यहां पे दोस्त ये ए था, तो मैंने बोला ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक। अब मैंने बोला बी से ए का भी एरिया मतलब वर्क डन पता है। अगर मैं पूछूं कि बी से ए जाने में कितना वर्क डन तेरे पास में होगा तो क्या बता सकते हैं मुझे कितना आएगा वर्क डन? ब्लैक से बना दूंगा ना, ठीक है। हाँ भाई, बी से ए जाने में वर्क डन बता सकते हैं आप कितना आएगा? तो आप बोलेंगे सर जी अगेन एरिया अंडर द कर्व, और वो कैसा है आपके पास? ये वाला, इसको अलग शेप बना देता हूँ, इसको अलग बना देता हूँ, ऐसे इसको ऐसे बना देता हूँ, ऐसे, ठीक। ये जो आपके पास में ब्लैक से जो एरिया शेड किया है, ब्लैक शेडेड एरिया, ये क्या है आपके पास? वर्क डन कहां से कहां तक? बी से ए का। ये था दोस्त ए से बी, वो आ गया बी से ए। अब ये बी से ए वाला नेगेटिव है वर्क डन या पॉजिटिव है? दिस इज नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है ये दोस्त? क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है। हम सी से बात जानते हैं भाई साहब, वॉल्यूम घटेगा तो वर्क डन नेगेटिव है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन पॉजिटिव है। तो यहां से ए पे अगर आप जा रहे थे, ये वर्क डन कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया। मेरा टारगेट ये बिल्कुल नहीं था कि मैं ए से बी बताऊंगा कि बी से, मैं चाहता था कि आप पूरे साइकिल में, अब पूरे साइकिल में अगर आप वर्क डन देखेंगे, मैं अगर बात करूं वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस कितना होगा, साइक्लिक प्रोसेस तो क्या लिखेंगे आप, क्या क्या लिखेंगे आप? आप लिखेंगे सर जी वर्क डन ए से बी जाने का प्लस वर्क डन बी से ए जाने का। ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे दोस्त? अगर हम ऐसे करेंगे, देख ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, तो क्या आएगा आपके पास में? दिस इज ब्लू शेडेड एरिया, ब्लू शेडेड एरिया माइनस ब्लैक शेडेड एरिया, ब्लैक शेडेड एरिया। तो भाई साहब जवाब मिल गया, और वो जवाब क्या है? वो जवाब है देख, ब्लू ये था, इसमें से ब्लैक को घटाएगा। अब देख दोस्त, ये ब्लू था, इसमें से ब्लैक को घटाएगा, तो क्या बचा, क्या बचा? हलवा बचा क्या? ये वाला बचा सर जी, ये वाला अंदर वाला पोर्शन। तो अब दुनिया बोलती है भाई साहब कि जब आपका साइक्लिक प्रोसेस हो, अब सुनना, अब आप सीधा पढ़ेंगे तो मैं सीधा क्या बताऊंगा? अब सवाल आएगा, मैं बोलूंगा ये वाला जो एरिया है कौन से वाला भाई साहब? ये वाला जो एरिया है, मैं बोल दूंगा ये वाला हो गया वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। समझ में आ रही है बात? इसके पीछे बैक एंड पे क्या काम हुआ? हमने एक का देखा, फिर दूसरे का देखा, दोनों को ऐड करके देखा, तो ये नेट आ रहा है। और ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि सर जी यहाँ पे कौन बड़ा है? ब्लू वाला बड़ा है। ब्लू वाला क्या था? पॉजिटिव। वो क्या था? नेगेटिव। तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे नेट वर्क डन आ रहा है आपके पास, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। अरे इतनी बात चमक रही है दोस्त, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, इससे जो मैंने सीखा उसको मैं कुछ पॉइंट्स में नोट कर लेता हूं,
अगर मैं जो ये बात यहाँ पे कंक्लूड किया क्या क्या केसेस से पहले अगर मैं देखूँ यहाँ पे अभी हमने जो इसे सीख जो हमें मिली है ज्ञान जो हमें यहाँ पे मिला है वो पहला ज्ञान का पॉइंट क्या है। पहले ज्ञान का पॉइंट ये है कि अगर कभी साइक्लिक प्रोसेस है, सुनना वैसे ढंग से, अगर कभी साइक्लिक प्रोसेस है तो जो ये एरिया है साइक्लिक प्रोसेस का या फिर जो साइकिल का एरिया है दैट इज वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, इन साइक्लिक प्रोसेस एरिया ऑफ साइकिल विल बी इक्वल टू वर्क डन, विल बी इक्वल टू वर्क डन इन साइकिल, इन साइकिल मतलब एक साइकिल की पूरी की बात करें वर्क डन पूछे तो क्या है जो एरिया आएगा साइकिल में वो वर्क डन आएगा। अब ये नहीं पूछना सर जी क्यों आया, देखा आपने पूरा मतलब प्रूव किया है, देखा है और तो किसी भी सवाल में ऑब्जर्व कर सकता है, इसमें कोई बड़ा खेल नहीं है। मुझे समझ में आया जब ए से बी जाता तो वर्कडन पॉजिटिव था, बी से ए जाता वर्कडन नेगेटिव था, ए से बी जाता वर्कडन पॉजिटिव था, बी से ए जाता वर्कडन नेगेटिव था, ए से बी बारे में ज्यादा है, बी से ए बारे में कम है तो नेट वर्कडन क्या है पॉजिटिव। अब इसके लिए भी लोगों ने तरीका निकाल लिया, भाई साहब कैसे पता लगेगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो लोगों ने क्या बोला अब ये वाला प्रोसेस क्या है, ये वाला प्रोसेस क्या है, ये क्लॉकवाइज प्रोसेस है कि एंटी क्लॉकवाइज है, दिस साइकिल इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। साइकिल वैसे घड़ी कैसे घूमती है दोस्त, टक 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 कैसे घूमती है, तो साइक्लिक प्रोसेस है एंटी क्लॉक, सॉरी ये दिस इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज। जब भी दोस्त कभी तेरे पास में क्लॉकवाइज साइकिल होगा देन वर्क डन विल बी पॉजिटिव। अगर हमारे पास में इफ साइकिल इज क्लॉकवाइज तो आपके पास में क्या आएगा, जो वर्क डन रहेगा वो कैसा रहेगा, वर्क डन पॉजिटिव रहेगा। अगर तेरे पास में साइकिल कभी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज तेरे पास वर्क डन क्या बन जाएगा, वर्क डन विल बी नेगेटिव। और ये सब हमने क्या इससे ज्ञान दिखा, जो हमने बेसिक चीजें समझी थी उससे हमने ज्ञान बना लिया जो हम आगे यूज कर लेंगे। तब किसी भी टाइम पे रुक के आप देख सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, आपको साइकिल दिखाई देगा, आप देखिए पॉजिटिव एरिया कितना है, नेगेटिव एरिया कितना है, इस पाथ में कितना, इस पाथ में कितना, तो बात बन जाएगी क्लियर। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है सर, जहां जिस थर्मोडायनेमिक पैरामीटर से शुरुआत हो रही है एंड भी उसी पैरामीटर्स पे होने चाहिए तो आप उसे एक साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कितना आता है तो फील करना है तो आप डिफरेंट डिफरेंट पाथ के लिए ऑब्जर्व कर लीजिए, फिर नेट के लिए आप जोड़ दीजिए। हमें एट द एंड समझ में आया कि जो साइकिल का जो एरिया है वो हमें वर्क डन देता है, अगर साइकिल आपके पास में क्लॉकवाइज है तो वर्क डन पॉजिटिव है, अगर साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन नेगेटिव है। इज इट क्लियर, समझ में आ गई बात, ठीक है छाप ले इसको। आप जो थोड़ा सवाल कर लेते हैं वर्डन के ऊपर और अपने पोस्टमार्टम करेंगे सवाल, एक ही चीज देखेंगे भाई साहब कि इसमें क्या वर्डन है, इसमें क्या वर्डन है, मतलब सिर्फ आंसर पे नहीं है, हमें चीजों को फील करना है। मान लेता हूं मैं एक पीवी कर्व शो कर देता हूं, एक बार मैं पहले बता चुका हूं प्रोजेक्शन लेना है वो सिर्फ किस पे लेना है, वॉल्यूम वाले पे लेना, ध्यान रखना इस बात को। अगर मान लिया मैं पीवी कर्व बनाऊं तेरे पास में, ऐसे ऐसे कुछ पीवी कर्व बना दिया हमने, इसका नाम हो गया ए, इसका नाम बी, इस पॉइंट का नाम सी, इस पॉइंट का नाम डी, ऐसा प्रोसेस है आपके पास ठीक। यहाँ पे कुछ प्रेशर मान लेते हैं पी नॉट, यहाँ पे कुछ प्रेशर मान लेते हैं टू पी नॉट, यहाँ पे कुछ वॉल्यूम मान लिया वी नॉट, इसको कुछ टू वी नॉट। मैं फिर बोल रहा हूँ हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें चीजों को विजुलाइज करना है, हमें दिखनी चाहिए चीजें। आपसे अगर आपको ये साइकिल दिखाया जाए ठीक है, ये सबसे पहले बताइए साइक्लिक प्रोसेस है कि नहीं, इज इट साइक्लिक प्रोसेस और नॉट। हाँ साइक्लिक है क्योंकि मतलब साइक्लिक में साइकिल पूरा बन जाए, सी बात है साइकिल पूरा बनना है साइक्लिक प्रोसेस है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वर्क डन आप मुझे बताइए तो अपने पेन छोड़ देते हैं ना, एक बार अपने पेन वेन छोड़ दिया, अपने मस्ट एनालाइज करते हैं। ए से बी, अगर आप ए से बी जा रहे हैं तो वर्क डन कितना आएगा, ए से बी में वर्क डन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, पहली बात तो एरिया अंडर द कर्व की बात ही नहीं है भाई। आपको अगर मान लीजिए कोई भी एक स्पेसिफिक पाथ की बात करें तो एरिया अंडर द कर्व से बात बन जाएगी, इसमें तो एरिया अंडर द कर्व भी नहीं है। और बढ़िया थिंकिंग सोचे तो हमें समझ में आ गया आइसोकोरिक प्रोसेस है, ए से बी इज ए आइसोकोरिक प्रोसेस, और जब आइसोकोरिक प्रोसेस होता है तो वर्क डन नुल आता है, कोई इसकी वैल्यू होती नहीं है। बी टू सी, वर्क डन इन बी से सी में वर्क डन कितना आएगा दोस्त, बी से सी में वर्क डन कितना आएगा, दैट विल बी टू पी नॉट वी नॉट, सही टू पी नॉट वी नॉट, क्यों जैसे जी बी से सी में देखते हैं तो एरिया अंडर द कर्व हो गया, एरिया अंडर द कर्व ये पूरा एरिया आ जाएगा तो कितना हो गया पूरा एरिया, तो ये टू पी नॉट है, ये सिर्फ वी नॉट हुआ तो टू पी नॉट वी नॉट। अगर आप जो सी से डी कितना वर्क डन है,
सी से डी अगेन जीरो बिकॉज आई से कोई प्रोसेस। अब मैं पूछू डी से ए, डी से ए कितना है, डी से ए आएगा आपके पास में पी नोट वी नोट, सही। अब नेट कितना हो गया, नेट हो गया ऊपर टू पी नोट वी नोट, नीचे पी नोट वी नोट, तो टोटल थ्री पी नोट वी नोट हो गया क्या? नहीं हुआ वहां पे, क्यों? क्योंकि भाई साहब नीचे वाला नेगेटिव ना लाइक ऊपर वाला पॉजिटिव था, सही बात है भाई साहब। यहां पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसे वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसे वॉल्यूम घट रहा है, तो ऊपर वाला पॉजिटिव है नीचे वाला नेगेटिव है, ये बहुत ध्यान से देखना है। तो ये हमने बिल्कुल पोस्टमार्टम कर दिया, पर अब चले नहीं सर जी हमें तो काम किया था, तो काम की बात ही है भाई साहब। जो इसका एरिया आएगा, सबसे पहला सवाल मान लीजिए मैं पूछूं कि वर्कडन साइकिल में कितना होगा आपके पास, तो हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि जो इसका एरिया साइक्लिक पाथ का जो मतलब साइकिल का जो एरिया है, वो साइकिल का एरिया ये बन गया जो हमने शेड किया है, तो कितना बन गया, ये है पी नॉट और ये है वी नॉट, तो कितना है पी नॉट वी नॉट, ठीक। अगर आप बोले नहीं सर इसका पूरा पोस्टमार्टम कर दो, पोस्टमार्टम पूरा बताओ एक एक चीज, तो हम वैसे भी कर सकते हैं, हम इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं पोस्टमार्टम, ठीक। अगर हम इसका पोस्टमार्टम करें तो बोले वर्डन ए से बी में कितना है दोस्त बता, जीरो, अभी हमने देखा। बी से सी में बोल, बी से सी में टू पी नॉट वी नॉट, कैसा पॉजिटिव। वर्डन सी से डी में कितना आएगा बोल, सी से डी में जीरो, और वर्डन डी टू ए में कितना आएगा माइनस पी नॉट वी नॉट, नेट कितना आ गया पी नॉट वी नॉट, वही जवाब है। अब सर जी ये कैसे पता लगेगा इसमें साइक्लिक है, मतलब ये वाला जो साइक्लिक का जो वर्डन आया वो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, वो कैसे चेक करेंगे? तो हमें पता है कि प्रोसेस कैसा है, प्रोसेस इज क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज वर्डन कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये तो डायरेक्टरी जो हमने ज्ञान लिया था उससे, और आपको एक ही चीज को समझना है तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। मेरी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए एक और सवाल देखते हैं इसी चीज का। बच्चों हमने एक और आपको सवाल दिखाया है, इसमें ये जो लाइन है आपके पास में ये वर्टिकल होगी, जैसे वर्टिकल लाइन ए बी क्या है आपके पास में, वर्टिकल लाइन, ध्यान रखना ए बी इज वर्टिकल लाइन। तो अब इसमें सिर्फ इंटरप्रेट करेंगे चीजों को, हम कैलकुलेशन इसमें नहीं करेंगे। आप मुझे एक चीज तो ये बताइए कि आप मुझे ग्राफ में ये बताइए भी वर्डन कितना आया साइकिल के अंदर, वर्डन साइकिल में कितना है आपके पास में, कौन सा वर्डन होगा, मतलब दिखा दीजिए आप मुझे, और ये पॉजिटिव आया नेगेटिव आएगा ये बताइए, दिखाई दे रहा होगा क्लियरली क्या? हमें पता है साइकिल का जो वर्डन आता है वो एरिया होगा साइकिल का, ये वाला हो गया दिस इज वर्डन, तो ये क्या हो गया ब्लू शेडेड, ब्लू शेडेड, तो ये वर्डन साइकिल का। अरे पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तब क्या कैसा प्रोसेस है ये, दिस इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो कैसा होगा, ये नेगेटिव होगा। अबे रैपिड फायर है, फटाफट बोलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव बोलना है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ए से बी जीरो, बी टू सी, बी टू सी नेगेटिव, सी टू डी नेगेटिव, डी टू ई पॉजिटिव, ई टू ए पॉजिटिव, जब नेट जोड़ के देखेंगे नेगेटिव वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। तो कई बच्चों ऐसा सवाल आया साइक्लिक प्रोसेस का, तो आप इजीली प्रोसीड कर सकते हैं, जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो आपको उसका वर्णन दे देगा, क्लियर है? ठीक है, आप इतना छाप लीजिए फिर अपने आगे बढ़ते हैं। तो सवाल आपके सामने है, थोड़ा सा सवाल ये बढ़िया बना दिया ना, सबसे पहले बताइए ये दोनों साइक्लिक प्रोसेस है कि नहीं, ये दोनों साइक्लिक है कि नहीं, पहला सवाल। फिर जो भी है साइक्लिक है नहीं, मुझे फुट्टी का जो भी रिजल्ट है, अब मुझे दोनों में बताइए कि एरिया कितना आएगा पूरे एंड तक, मतलब ए से लेके बी गए यहाँ पे, यहाँ पे ए से लेके डी गए, टोटल में वर्डन कौन सा है आप मुझे शेडेड करके दिखा दीजिए। सेकंड थिंग आप मुझे ये बताइए कि वर्डन इसमें पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसमें कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये सब चीज़ें आप मुझे बताइए। अभी हुआ, अगर आप कभी फंसे तो हमेशा बेसिक के पास जाइए, मेरा मानना ये है। मैं फंस गया इसमें, मुझे नहीं चमक रहा भाई क्या करना है,
पहले मैं जवाब बताता हूँ, जवाब क्या होगा। इसमें जो एरिया आएगा वो ये वाला एरिया आएगा, ये वाला एरिया इतना, और इसमें जो एरिया आपके पास में आएगा वो इतना आएगा। इसका जो आंसर रहेगा, आंसर बताता हूँ, इसका ये रहेगा, दिस एंड दिस। इसमें जो आपके पास में जो वर्कडन आएगा वो इतना आएगा, क्लियर। इसमें जो वर्कडन आएगा आपके पास में दैट इज पॉजिटिव, और इसमें जो वर्कडन आपके पास में दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव। अब आप थोड़ा सा सोच के बताइए क्या कर सकते हैं। मैं एक चीज अगर हम थोड़ी सी सोच लें तो हम सवाल में फंसेंगे नहीं। इसके अंदर मैंने बोला कि यहाँ पे जहाँ पे टेंजेंट बन रहा होगा, जहाँ पे टेंजेंट, मान लीजिए टेंजेंट वाला पॉइंट, इस पॉइंट का नाम कुछ मान ले ओ, मान ले तो ए से ओ अगर तू जा रहा था, अगर तू ए से ओ गया, तो ए से ओ गया तो वर्कडन नेगेटिव था। ओ कौन सा पॉइंट? टेंजेंट वाला पॉइंट, जहाँ पे टेंजेंट बनेगा उस पॉइंट तक वर्कडन नेगेटिव था, फिर उसके आगे से वर्कडन पॉजिटिव होना शुरू हो गया। तो अगर तू देख रहा है ए से ओ में, तो ये वाला जो वर्कडन था ये नेगेटिव था, फिर ये वाला वर्कडन पॉजिटिव हो गया, नेट कौन सा बचा? ये साइकिल वाला बचा, क्लियर। और अगर आपको नहीं, हमें तो सर सीधा बात बताइए, तो हमने सीखा था कैसा प्रोसेस घूम रहा है, क्लॉकवाइज एंड वर्कडन विल बी पॉजिटिव। पर फिर में मजा नहीं आएगा अगर ये सवाल पूछ ले कि बताइए कहां तक, कौन से पॉइंट तक वर्कडन पॉजिटिव था, कौन से पॉइंट के बाद वर्कडन नेगेटिव हो गया या फिर उसका उल्टा हो गया। तो हम बोलेंगे यहां पे टेंजेंट पॉइंट बन रहा है, वहां तक वर्डन आपके पास में क्या था? नेगेटिव था, और उसके बाद से वर्डन क्या हो गया? आपके पास पॉजिटिव हो गया। ये दिखना चाहिए आपको। इस वाले केस में अगर आप देखेंगे तो ए से बी में जो वर्डन था वो कितना था? ए से बी में पूरा था ये, ठीक। बी से सी में कुछ वर्डन नहीं था, और सी से डी में जो वर्डन था वो नेगेटिव था, सॉरी पॉजिटिव था। सी से डी इज पॉजिटिव, ए टू बी इज नेगेटिव। तो हमें दिखाई देगा इस पॉजिटिव में से नेगेटिव वर्डन सबट्रैक्ट करेंगे तो इतना पोर्शन बच जाएगा, तो ये वर्डन। तो ग्राफ बहुत बोलते हैं, बहुत सारी बातें बोलते हैं। ग्राफ एक ऐसी चीज़, एक छोटे से ग्राफ आपको मतलब 2 घंटे तक डिस्कशन करवा सकता है, इतनी ताकत है ग्राफ के अंदर। तो ग्राफ की इज्जत करा करिए भाई, से ढंग से समझा कीजिए, वो आपकी बहुत मदद करेगा, क्लियर। ठीक है, आप इसको छाप लीजिए, बेसिक सी बात है, पर आप ढंग से समझ के लिखिएगा ना इसको, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। बहुत से सवाल आपके सामने हैं, और एक मिस्टेक, ऐसा एक सवाल मैं पहले करवाया था जिसमें वैसी गलती हो सकती है, आप थोड़ा ढंग से देख के बताइए। मुझे वर्डन बताइए जूल के अंदर, वर्डन किस अंदर? जूल के अंदर बताए ना, इन जूल के अंदर बताइए कितना वर्डन आएगा इस साइक्लिक प्रोसेस के अंदर, बता भी करके क्या रिजल्ट आएगा। हाँ सुनो भाई, अब ये देख के लगता है सर्कल जैसा है, पर ये सर्कल प्रोसेस लेंगे तब तो हो ही नहीं पाएगा ना, बिकॉज यहाँ पे तो अगर आप देखेंगे ये एक अलग वैल्यू है, ये एक अलग वैल्यू, आपको 20 दिख रहा है, पर ये है आपके पास में 20 किलो पास्कल, और वो है आपके पास में 20 लीटर, दोनों अलग अलग बात है। तो आपको इसको इलिप्स मान के सॉल्व करना है, तो इस वाले पहले गिवन है थोड़ा ठीक रहता, आपको इसको इलिप्स ही कंसिडर करना पड़ेगा। अब जब इलिप्स होता है आपके पास में ऐसे इलिप्स, तो इलिप्स में ऐसे दो चीज़ें होती है, जिस ये होता है आपके पास एक, और एक यहाँ पे ये होता है ऐसे, सेमी मेजर एक्सिस होती है ए, सेमी मेजर एक्सिस होती है आपके पास में बी, ठीक। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये जो एरिया आता है इसका पाई ए भी आता है आपके पास में, सेमी मेजर एक्सिस, ये डिस्टेंस आपके पास में ए रहती है और ये डिस्टेंस ऐसे बी रहती है, तो यहाँ पे इलिप्स हो गया आपके पास में। अब इसके लिए हम देखें तो ए की वैल्यू आपके पास में होगी ये डिस्टेंस, तो वो कितनी है? ए हो गया 20 किलो पास्कल डिवाइड बाय 2,
दैट इज 10 किलो पास्कल, और बी जो आपके पास में है वो आया 20 लीटर, 20 लीटर डिवाइड बाय 2 यानी 10 लीटर। अब हमें वर्गमूल किसमें चाहिए, जूल में चाहिए, और वर्गमूल अगर जूल में चाहिए तो ये इसकी यूनिट लीटर नहीं रहनी चाहिए, किसमें चाहिए, मीटर क्यूब में आना चाहिए। ठीक, तब क्या बोलेंगे, दैट इज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब, तो बी कितना बन गया 1/100 मीटर क्यूब। समझ में आ गया, अब आप एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए, एरिया कितना हो जाएगा इसका, दैट इज पाई ए बी, ये आएगा एरिया, तो पाई की जगह पाई और ए बी की वैल्यू पुट की अगर हमने, तो यहाँ पे बन गया 1/100 और यहाँ पे आएगा 10 किलो पास्कल है, तो 1, 2, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एरिया कितना गया 100 पाई आ गया, तो ये आ गया एरिया 100 पाई। अब देख भाई खतरे वाला पॉइंट मेन, ये कर्व पीवी कर्व नहीं है, दिस इज वीपी कर्व, दिस इज नॉट पीवी कर्व, दिस इज वीपी कर्व। अब भाई साहब ढंग से देखना पड़ेगा कि वर्डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अब आप ये नहीं बोल सकते क्लॉकवाइज एंटीक्लॉक वो कब था, जब आपके जैसे पीवी कर्व था, वीपी कर्व, थोड़ा सोचते हैं। अब सोच के देख, जब ये यहां से यहां पे जाना था, अब क्या एरिया अंडर द कर्व क्या रहा है, ये वाला आ रहा है एरिया अंडर द कर्व ना, देख एरिया दोनों में सेम आएगा, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप यहां से देखें वहां से देखें वर्डन सेम आएगा, पर मैग्नेट डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को कैसे देखेंगे, जब ये यहां से यहां पे जाते इसका नाम कुछ एक्स मार दे वाई बोल दे, जब ये एक्स से वाई जा रहा था तब वर्गडन देख वॉल्यूम घट रहा है, एक्स से वाई जाने वॉल्यूम घट रहा है, तो वर्गडन नेगेटिव था, तो कितना था पूरा इतना आ गया, और जब ये वाई से एक्स जा रहा है बच्चों तब वर्गडन पॉजिटिव है तो इतना आ रहा है, तो नेट वर्गडन कैसा का नेगेटिव आएगा। जब आप देखिए जब आप एक्स से वाई जा रहे हैं बच्चों, एक्स से वाई जा रहे हैं तो वर्गडन क्या आएगा, ये वाला वर्गडन आएगा। मैंने पहले बार में बताया था भाई साहब, जो प्रोजेक्शन लेना है वो किस पे लेना है, वॉल्यूम पे लेना है, प्रेशर पे लेना नहीं है, इसी वजह से सवाल दिया ये। तो अगर आप जब एक्स से वाई जा रहे हैं आपके पास में तो ऐसा आ रहा है, तो ये वर्डन कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। जब वाई से एक्स जा रहे हैं देन दिस इज पॉजिटिव, तो नेट कैसा आएगा, ये वाला आएगा, दैट नेट विल बी नेगेटिव। तो खतरा क्या हो गया यहाँ पे, दिस इज वीपी कर्व, दिस इज वीपी कर्व, दिस इज नॉट पीवी कर्व। इसलिए बोलते हैं ब्लाइंड चलते हैं ना, ब्लाइंड चलते हैं, जो हमारे दिमाग में हम वही पढ़ते हैं वही देखते हैं, तब बहुत दिक्कत होता है। हम सोचते हैं सर्कल समझा, सर्कल के सब डाटा ही नहीं सेट बैठ रहा, समझ में आ रहा है, फिर आपने ये देखा अच्छा वो लीटर में उसको कन्वर्ट करना है, वो गलती हो सकती है, फिर ये गलती हो सकती है, भाई ग्राफ तो सही ढंग से पढ़ो, दिस इज नॉट पीवी, दिस इज वीपी। तो यहाँ पे जो वर्कडन आएगा आपके पास दैट इज -100 पाई जूल। अब ये माइनस की कहानी तुझे खुद को यह समझानी, मैंने दिया समझा, ठीक क्लियर है बात, बढ़िया सवाल है, चांद तारे बना ले, स्टार मार्क कर ले, ठीक है, ये गलतियां मत करना। अगर जूल में पूछा है तो प्रेशर न्यूटन मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, पास्कल न्यूटन मीटर स्क्वायर, कभी एटीएम में लिखा हुआ होता है यहाँ पे, यहीं पर एटीएम में लिखा हुआ होता तो फिर कन्वर्ट करना पड़ता था न्यूटन मीटर स्क्वायर में, और वॉल्यूम किसमें चाहिए, मीटर क्यूब में, ध्यान रखेगा इस बात का। और ये कभी भी कर्व देखेगा तो पहले देख लेना भाई पीवी कर्व है कि वीपी कर्व है, वीपी कर्व है थोड़ा सोच समझ के करिएगा ना। बच्चों अभी हम शुरुआत करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक चीज़ों की, हमने ठीक है वर्डन वगैरह वो सब देख लिया, थर्मोडायनेमिक्स शुरुआत जो मानी जाती है मतलब फेमस चीज़ जो है दैट इज लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में जीरोथ लॉ है, फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, तो हम सबसे पहले शुरुआत करें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, और ये पता होता है ना छोटी कौन सा लॉ है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मान लीजिए कोई एक सिस्टम है वो दूसरे के साथ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, या फिर थर्मल इक्विलिब्रियम में है ना, आपके पास में तीन सिस्टम है मान लीजिए, यहाँ पे ऐसे बोल देते हैं तीन सिस्टम आपके पास, सिस्टम ए, सिस्टम बी और सिस्टम सी। तो आपको बोल दिया कि अगर ए थर्मल इक्विलिब्रियम में है सी के साथ, लेट अस थर्मल इक्विलिब्रियम इसका मतलब क्या है, ए थर्मल इक्विलिब्रियम में है किस साथ में, सी के साथ में, ठीक। सिमिलरली अगर ये बोल देते दैट इज बी भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, थर्मल इक्विलिब्रियम में सी के साथ। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या भाई साहब, हीट उट का फ्लो ना हो, हीट का फ्लो कब नहीं हो, जब टेम्परेचर सेम हो, इसका मतलब ये अगर ए का टेम्परेचर सी के बराबर है और बी का टेम्परेचर सी के बराबर है
तो ऑब्वियसली फिर ए का टाइम्स बी के बराबर भी होगा, सही सी बात है। देन आप क्या बोलेंगे, देन ए विल ऑल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी, कि थर्मल इक्विलिब्रियम है ना, या थर्मल इक्विलिब्रियम का सिंपल मतलब ऐसा कुछ स्टैंडर्ड नहीं है, मैं ये मैं थर्मल इक्विलिब्रियम दिखाना चाहता है कि ए थर्मल इक्विलिब्रियम है सी के साथ, बी थर्मल इक्विलिब्रियम है सी के साथ। तो अगर ए सी के साथ में और बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी ये दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अब इसमें सब मतलब यार ये ऐसा क्योंकि जीरो तो नाम क्यों दिया इसको यार, इसको फर्स्ट दे देते, फर्स्ट वाले को सेकंड दे देते, सेकंड वाले को थर्ड दे देते, न्यूटन के भी नियम है वैसे दे देते, ऐसा क्यों कर दिया, इसका नाम जीरो क्यों रख दिया बेचारे का। अब हुआ क्या था एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स में, फर्स्ट और सेकंड आए थे पहले, ठीक, अब उनका नामकरण तो हो गया, अब यह आया बाद में, अब ये बाद में अपन लोगों को लगा ये तो पहले पढ़ पढ़ना चाहिए, तो अब क्या करें, तो भैया वन से छोटा क्या है जीरो, तो बोल दिया जीरो थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ये सब नीट में नहीं आएगा ना, ये पूछेगा वैसे इसका नाम जीरो क्यों है, ऐसी कहानी बता रहे हैं अपने, पर ये ऐसे ही मतलब कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, सिंपल सी बात है, ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी सी के साथ में है तो ए सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, क्लियर है ये बात, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, अभी हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, जिसका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा रोल है, मतलब फिजिक्स में जो मेजर सवाल आपको थर्मोडायनेमिक्स में मिलेंगे वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मिलेंगे। अब आइए उसको देखते हैं बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी हम फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक्स में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है फिजिक्स के अंदर, वो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से सवाल पूछे जाते हैं, और नीट में तो बहुत बेसिक सवाल आते हैं, मतलब आपको अगर ये जो अभी मैं बताऊंगा अगले 10 मिनट के अंदर ये आपको क्लियर होगा, तो मोस्टली सवाल आप फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कर लेंगे। इसका शॉर्ट नेम फ्लोट बोलते हैं इसको, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये किस पे बेस्ड है, ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, कभी पूछ रहे भाई साहब किसे बेस्ड है, तो दिस इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, पहली बात, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, क्लियर। अब ये लोगों का स्टेटमेंट क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात ये बोलता है, ये बोलता है कि अगर आपने किसी सिस्टम को क्यू हीट दी है, तो इस क्यू हीट का क्या क्या करेगा, आपने जैसे किसी सिस्टम को क्यू हीट दी है, अब ये क्यू हीट से क्या कर सकता है, या तो वर्क कर सकता है और या फिर इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकता है, या तो इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा या फिर वर्क करेगा, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। और अगर आप ठंडे दिमाग सोचेंगे तो आपको लगेगा बहुत बड़ी बात नहीं बताई, हमें समझता था कि भाई साहब अगर आप किसी को क्यू हीट देंगे कोई सिस्टम को, तो वो उस हीट का क्या कर सकता है, या तो इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगा या वर्क कर देगा, वो इसने बोला है। ये कुछ ऐसा सिनेरियो हो गया कि मान लीजिए मुझे सैलरी मिलती है, लेट अस्सुम कुछ 20,000 सैलरी मिली, ठीक, मुझे किसी बंदे को 20,000 सैलरी मिलती है, अब वो क्या कर रहा है भाई साहब कि कुछ से तो अपनी सेविंग कर ले रहा है, 15,000 सेविंग कर रहा है और 5,000 खर्च कर दे रहा है, वो जो खर्च है वो तो वर्क में है, वर्क कर दिया, और जो डेल्टा यू उसने अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा ली, तो अगर वो सेविंग कर रहा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी, समझ में आ रही है। अब सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है डेल्टा यू कभी नेगेटिव हो, डेल्टा नेगेटिव हो मतलब मैंने खर्च ज्यादा कर दिया, सैलरी से 20,000 रुपये मैंने बैंक से निकलवा लिए बाकी रुपये, समझ में आ रही है मेरी बात, तो ऐसा हो सकता है डेल्टा यू नेगेटिव हो, वर्कडन नेगेटिव हो, क्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है आपके पास में, तो ये बेसिक बात है, क्लियर। अब केमिस्ट्री में और फिजिक्स में थोड़ा सा चीजें उल्टी है, थोड़ी सी आप ढंग से समझिएगा ना मेरी बात को, वर्कडन को तो हम बढ़िया ढंग से जान चुके हैं, ये है वर्कडन बाय गैस, दिस इज वर्कडन बाय गैस, जो हम वर्कडन पढ़ते आ रहे, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्कडन पॉजिटिव, वॉल्यूम घटेगा वर्कडन नेगेटिव, बहुत देर तक हमने बात की थी। अब हम सबसे पहले बात करते हैं क्यू की, तो अगर आप क्यू की बात करते ढंग से समझिएगा बच्चों मेरी बात को ना, मैं बता रहा हूँ नीट बेसिक सवाल पूछ लेता है इससे, कई बार आप देखेंगे सिर्फ बेसिक सवाल आ गया, अगर आपको ये पता है कब क्यू पॉजिटिव रखना है, कब क्यू नेगेटिव, कब डेल्टा यू पॉजिटिव, कब डेल्टा यू नेगेटिव, कब वर्क पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप कर पाएंगे सवाल को। देखिए ये क्या बोलता है, इफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम, इफ हीट इज गिवन टू सिस्टम, अगर आपने सिस्टम को हीट दी है, सिस्टम को हीट दी है, आपके सिस्टम है, आप की बार आप सिस्टम पे कंसर्न है, सिस्टम को हीट मिली है, सिस्टम खुश है कि दुखी होगा, हम अब क्या सिस्टम से डील करते हैं, केमिस्ट्री में आप सराउंडिंग से डील करते हैं, केमिस्ट्री की बात मुझे नहीं करनी, मैं आप ये बता रहा हूँ हम फिजिक्स में हम सिस्टम आपको आप अपना मानिए, सिस्टम जो है वो अपना है, सिस्टम को हीट मिली आप खुश है कि दुखी है, खुश है भाई साहब, तो आप क्या बोलेंगे, मैं खुश हूं, मतलब क्यों क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव आएगा, ध्यान रखना ये बात, अगर आपने सिस्टम को हीट दी है देन क्यू विल बी पॉजिटिव। अगर आपके पास में ये हुआ, इफ हीट इज टेकन फ्रॉम सिस्टम, इज टेकन आउट, इफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम सिस्टम देन क्यू क्या होगा आपके पास, नेगेटिव। अगर आपने सिस्टम को हीट दी है
देन क्यू इज पॉजिटिव, और सिस्टम से हिट रही है देन क्यू इज नेगेटिव। ये छोटी सी बात आपका नीट का सवाल करवा देगी। क्लियर? ये एक पैरामीटर तो क्यू था, ये एक पैरामीटर। क्लियर है बच्चों? ठीक, वर्क डन पे भाई साहब। हम पिछले लेक्चर से इस लेक्चर में बहुत गीत गा लिए हमने वर्क डन के। वर्क डन हमें समझ में आ गए, वर्क डन बाय गैस है। तो अगर मैं इसको लिख लेता हूं यहां पे, पहले वर्क डन भी लिख लेता हूं। अगर मैं बात करूं, वर्क डन विल बी पॉजिटिव इफ वॉल्यूम इज क्या बच्चों, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। और अगर मैं बोलूं वर्क डन विल बी नेगेटिव इफ वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, और इस पर हम बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं, इसे मैं और बात नहीं करना चाहता हूं ना। ठीक, अब हम बात करते हैं डेल्टा यू की। डेल्टा यू बहुत शानदार चीज है, मतलब सबसे ईमानदार सुधा वह बंदा मुझे यहां पर डेल्टा यू लगता है, इंटरनल एनर्जी। इसका एक्सप्रेशन अगर आपको याद हो, केटीजी में हमने पढ़ा था, ये इंटरनल एनर्जी में बताया, इंटरनल एनर्जी आता है NFRT/2, ऐसा आया था एक्सप्रेशन अगर तुझे याद हो, NFRT/2 याद है, हमने केटीजी में देखा था। मैंने बोला था FR/2 को बोलते हैं सीवी, तो यू आया था NCVT। यहां पे यू नहीं है, यहां पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। तो अगर आप डेल्टा यू देखें तो कितना का डेल्टा यू आएगा, NCV और डेल्टा टी। डेल्टा यू NCV डेल्टा टी। ये भाई साहब आंखें बंद करके लगाना है, इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं है कि डेल्टा यू हमेशा क्या होता है, NCV डेल्टा टी, कुछ हो बताइए। ऑलवेज ट्रू। और बहुत सुलझा हुआ आदमी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इसने बोल दिया अपने को हमेशा लगा डेल्टा यू इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी, खत्म बात। क्लियर है? इसमें कभी नहीं फंसना है। अब रिवाज सुन, अगर मैं बोलू टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तू मुझे बता, अगर मैं बोलू टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो डेल्टा यू क्या होगा? डेल्टा यू पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा? अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है डेल्टा यू क्या आएगा? पॉजिटिव। बिकॉज अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है डेल्टा टी पॉजिटिव, तो डेल्टा यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो डेल्टा यू क्या आएगा तेरे पास में? नेगेटिव आएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, ये जो बोल रहा है आपने उसकी बात बताइए, समझ में आ रही है बात? और सीवी अगर मोनोटोमिक गैस के लिए देखेगा, सीवी फॉर मोनोटोमिक गैस कितना? सीवी होता है F/2R, मोनोटोमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डायटोमिक के 5। तो अगर मैं बात करूं सीवी ऑफ मोनोटोमिक कितना है दोस्त, दैट इज 3/2R। और अगर मैं बात करूं सीवी ऑफ डायटोमिक दिस इज 5/2R। क्लियर? तो ये तीनों टर्म्स पे हमने बात कर ली, जो बेसिक बात थी, और यही है आपके पास फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर आपके तीन चार चीजें बहुत क्लियर है, हीट वाला पार्ट एवं देखने वो पोर्शन कट तो नहीं रहा, सही है, हाँ कुछ कट नहीं रहा, वो थोड़ा देख लेते हैं बाई चांस कट जाए कहीं पे। तो हम क्या बात कर रहे हैं, अगर आपको एक तो समझ में आता है क्या क्यू इज इक्वल टू वर्क डन, या फिर क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। जितनी आप हीट देंगे वो या तो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में जाएगा या फिर वर्क डन के अंदर जाएगा। क्लियर है बात? अगर आप सिस्टम को हीट दे रहे हैं, सिस्टम बोल रहा है अपने को मस्त हीट मिल रही है, तो वो क्यू कैसा कंसिडर होगा? पॉजिटिव। और सिस्टम से हीट ले रहे हैं तो वो क्यू कैसा कंसिडर होगा? नेगेटिव। डेल्टा यू का एक्सप्रेशन हमेशा NCV डेल्टा टी, इसे सुलझी कोई चीज ही नहीं है, हमेशा NCV डेल्टा टी। कुछ हो जाए, कुछ भी हो, अपने उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा यू हमेशा आएगा NCV डेल्टा टी। CV पर F/2R होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की हम बात कर चुके थे KTG के अंदर। क्लियर है ये बात? और वर्क डन को हम जानते हैं, बहुत देर से हम चर्चा करें तो क्लियर है। अभी हम कुछ सवाल देखेंगे इसके ऊपर। क्लियर है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसे ढंग से समझ में आना चाहिए। आई होप आप समझ पाए होंगे बच्चों। बेसिक सवाल है, जेई में आया हुआ पहले ना, मैं जेई में आया हुआ सवाल है वो दिखा रहा हूँ। जेई में हो, नीट में हो, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सवाल बहुत सिंपल आते हैं आपके पास में। सवाल देखिए, बस सवाल में क्या बोला गया, इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम, देन मार्क द करेक्ट आंसर, द टेम्परेचर ऑफ गैस विल इंक्रीज, द वॉल्यूम विल डिक्रीज, द प्रेशर विल रिमेन कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर विल डिक्रीज। इस तरीके से बोल दिया। आप हर एक प्रोसेस के लिए, चाहे प्रोसेस साइक्लिक हो चाहे ना हो, ये बात ध्यान रखिए फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमेशा वैलिड है। ऐसा नहीं सिर्फ साइक्लिक के लिए वैलिड है या फिर मतलब नॉन साइक्लिक, सबके लिए वैलिड है। साइक्लिक हुआ तब भी वैलिड है, साइक्लिक नहीं है तब भी वैलिड, हमेशा फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वैलिड है। लिक्विड सॉलिड सबके लिए वैलिड रहता है, पर मोस्टली हम आइडियल गैस के लिए लगाते हैं। आप मुझे करके बताइए, हो सकता है एक ऑप्शन करेक्ट हो, मोर देन वन भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। हम मुझे जवाब बताइए क्या आएगा,
हाँ भी हुआ, हमने फ्लोट लगाया फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो मैंने बड़ा सा स्टेटमेंट देता हूँ, क्या है, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। अब देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। सबसे पहले बोला आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन याद कीजिए, हमने पहले वर्क डन निकालना सीखा, सबसे डेल्टा यू के बारे में बात की थी केटीजी में, फिर हमने वर्क डन की बात की थी, आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क डन कितना, जीरो, तो यार टर्म जीरो होगी, ऐसा ही समझ में आया। हीट इज टेकन आउट, हीट इज टेकन आउट, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव, तो यहाँ पे क्यू क्या आएगा आपके पास, क्यू आएगा नेगेटिव, तो अगर क्यू नेगेटिव आएगा डेल्टा यू भी क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव आएगा, और अगर डेल्टा यू बच्चों नेगेटिव है, इफ डेल्टा यू इज नेगेटिव देन टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, डेल्टा यू नेगेटिव, डेल्टा यू होता है एन सीवी डेल्टा टी, डेल्टा यू नेगेटिव मतलब टेम्परेचर क्या कर रहा है बच्चों, डिक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, इतनी बात समझ में आई, तो टेम्परेचर विल इंक्रीज नहीं, विल डिक्रीज सही, वॉल्यूम विल इंक्रीज नहीं, आपको बोला इसे कोरिक मतलब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है। अब प्रेशर की बात करते हैं, तो मुझे पता है पीवी इज इक्वल टू एनर्जी, तो हमेशा रहेगा ये, तो हमेशा रहेगा, वॉल्यूम क्या है आपके पास में, कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेंपरेचर घटेगा तो प्रेशर भी क्या होगा, घटेगा, तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा नहीं, प्रेशर क्या होगा, प्रेशर विल डिक्रीज, ये बात समझ में आ रही है आपको। तो देखिए कितना बेसिक सवाल था और ये जेई में पूछा गया सवाल है, तो बेसिक चीजें अगर आपको क्लियर है कि भाई क्यू कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, डेल्टा यू का मतलब क्या है, वर्क डन क्या है, तो आप इजीली आप प्रोसेस को प्रोसीड कर पाएंगे। ठीक है, बच्चों इस लेक्चर का लास्ट सवाल है और आपको एक कंडीशन गिवन है और आपसे पूछा गया है कि फाइनल चेंज इन टेंपरेचर कितना है, पढ़ लीजिए सवाल ना, तब क्लियर हो जाएगा। हाँ भी हुआ, देखें इसको, तो मुझे पता है मुझे फ्लोट लगाना है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो क्या होता है, दैट इज क्यू इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। ठीक, अब देखिए आपने सिस्टम को हीट दिया है तो क्यू की वैल्यू तो आ गई प्लस 500, मेन कहानी साइन वाली है बच्चों ना, क्यू आ गया प्लस 500। ठीक है, एक आगे क्या लिखा हुआ है, दिस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस गैस डस, गैस ने वर्क किया मतलब वर्क डन कितना आ गया, गैस ने वर्क किया मतलब वॉल्यूम बढ़ाया है उसने, दैट इज पॉजिटिव, ये भी आ गया आपके पास आ गया 100। तो आपने इसको यहाँ पुट किया से डेल्टा यू मिलेगा, तो मैंने लिखा क्यू इज इक्वल टू 500 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस 100, तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 400 आ गई, चेंज इंटरनल एनर्जी कितनी आई बच्चों आपके पास, 400 आ गई, सही। अब चेंज इंटरनल एनर्जी 400 आ गई, अब डेल्टा यू होता किसके बराबर, दैट इज एन सी वी डेल्टा टी, और हमें यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर निकालना है, तो डेल्टा यू गिवन है, तो डेल्टा यू लिखा 400, एन की वैल्यू क्या है, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 2 मोल है। अब सीवी की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए सीवी कैसा गैस है, ये मोनोटोमिक है डायटोमिक है, हाइड्रोजन क्या होता है H2 होता है, जैसे डायटोमिक, और अगर ये डायटोमिक गैस है तो इसका सीवी कितना है, इट इज 5/2 है, F/2 आ रहा है, तो इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे 5 होगा, इट इज 5/2 है। देखिए कितनी फंडामेंटल चीजें यहाँ पे हेल्प कर रही है हमारी, वहां पे मैंने आपको अलग से सीवी सिखाया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम सिखाया था, वो सब यहाँ पे आपको हेल्प कर रहा है, दिस इज 5/2 आ, और यहाँ पे आ गया चेंज इन टेम्परेचर। अब ये 10 यहाँ पे ये साफ हो गया आपके पास, तो डेटा थीटा जो आपके पास में आ गया, दैट इज 40, दिस इज 80 ना, 40 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय आर, तो आ गया डेटा थीटा इज 80 बाय आर, आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 8.314, बिकॉज वो जूल में है, तो ये चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा, डिफरेंस है टेम्परेचर का तो फर्क नहीं पड़ता, डिग्री में है केल्विन में है, वो एक ही बात होती है। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस लेक्चर को भी ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा, नेक्स्ट वाले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो इसी पे थोड़ा और प्रोसीड करेंगे, साइक्लिक प्रोसेस के लिए हम फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे लगाते हैं वो देखेंगे, और चैप्टर अभी अपना दम तोड़ रहा है ना, मतलब हम लास्ट में हैं, और मतलब फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम ढंग से करेंगे बिकॉज से सवाल आ जाता है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, थैंक यू, आप ढंग से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।